हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ साक्षी, एंड आज हम हमारी सीयूईटी प्रैक्टिस सीरीज से हटके सीयूईटी स्ट्रेटजी की बात करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड बिफोर वी एक्चुअली गेट इन, अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ रियल क्विकली। सो आई एम साक्षी सिंह, आई एम करेंटली परस्यूइंग बी ए साइकोलॉजी ऑनर्स फ्रॉम लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन। एंड मेरा क्लास 12th में जो एग्रीगेट परसेंटेज रहा था, दैट वॉज 98.6%। एंड सीयूईटी स्कोर इन 2022 वर्स 800 on 800, which for real is not that difficult. आप भी कर सकते हो बड़े आराम से। एंड दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू शेयर इन टूडेज वीडियो, कि क्योंकि अब लास्ट के 10 से 15 दिन ही बचे हैं, तो कैसे इनका फुल टू फुल यूज किया जाए विदाउट एग्जॉस्टिंग योर एनर्जी ओवर यूजलेस थिंग्स, ताकि यू कैन परफॉर्म योर बेस्ट इन सीयूईटी। ओके, तो यहाँ पे जो मैं शेयर करूंगी वो मेरे एक्सपीरियंस से है। इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना जो आप अपने क्यूज जानते हो उनको मर्ज करना है, एंड देन यू हैव टू टेक आउट समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। एंड सॉरी फॉर दिस, आई बी थोड़ा कफिंग थोड़ा इस वीडियो में, बिकॉज आई एम थोड़ा सा इल अभी, सो प्लीज डोंट माइंड दैट। सो गेटिंग डाउन टू द कोर स्ट्रेटजी जो मैं रिकमेंड करूंगी, एंड आई थिंक ये और डोमेन्स पे भी अप्लाई हो सकता है, ट्रांसफरेबल है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज, वर्किंग बैकवर्ड्स, क्योंकि अब 10 से 15 दिन ही बचे हैं ना, आपको पहले डिटरमाइन करना है मेरे कौन कौन से दिन पे कौन कौन से एग्जाम्स हैं, और हर एग्जाम तक मेरा एक एक कितने दिन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइकोलॉजी का एग्जाम 22 मई को है, फॉर एग्जाम्पल, देन आई हैव टू काउंट कि हाँ इतने दिन है भाई। सही 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 कहूँ तो 12 दिन बचे हैं और इन पे काम करना है। तो जस्ट डिटरमाइन द डेज दैट आर लेफ्ट फॉर ईच सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू ब्रेक डाउन योर सिलेबस इन टू यूनिट्स। आपके चैप्टर्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि चैप्टर्स में भी इट्स नॉट लाइक मैं एकदम से एक पूरा चैप्टर एक दिन में खत्म कर दूंगा, उसको ब्रेक डाउन कर लो जितना हो सके ना, जितना आपके लिए कंफर्टेबल है, सिलेबस को ब्रेक डाउन कर लो यूनिट्स में। और अब आपको क्या करना है, एक पेपर ले लो, यू कैन डू इट ऑन एक डिजिटल सॉफ्टवेयर या फिर नोट्स, आप जहां भी बनाते हो। आपको एक एक दिन प्लान करना है कि एक एक दिन कौन कौन से अपने सिलेबस की यूनिट्स में कवर करूंगा। एंड दिस इज नॉट जस्ट वन डोमेन, जब आप बहुत सारे डोमेन्स हैंडल कर रहे हो तो इस सब्जेक्ट का ये वाला यूनिट मैं आज कवर करूंगा, इस सब्जेक्ट का ये, तो एक दिन का मेरा पूरा प्लान बन गया। इसका मतलब लीडिंग अप टू योर एग्जाम आपके पास हर दिन का एक प्लान होना चाहिए कि इस दिन मैं ये कवर करूंगा। सो दिस इज वर्किंग बैकवर्ड्स, जो कि बहुत काम आएगा, नहीं तो एंड में देयर इज अ लॉट ऑफ पैनिक कि ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। दूसरी बात, कॉम्बिंग द टेक्स्ट। अब बोर्ड्स में जब आपने प्रिपेयर करा था ना, तो आपने क्या करा था, क्लम्प्स में टेक्स्ट को मेमोराइज करा था, माने इट्स लाइक कि लिखना है तो लिखने में एक दो पॉइंट अगर छूट भी गया, बट आई हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई हैव टू राइट, आई विल डू वेल। बट दिस डज नॉट अप्लाई टू यू नो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट्स, जहां पे बहुत जरूरी है कि आप उस एनसीईआरटी जो है ना उसकी एक एक लाइन से परिचित हो। इसका मतलब ये नहीं आप रट के जा रहे हो, बट यू शुड बी एबल टू रिकॉल ईच एंड एवरी कीवर्ड, ईच एंड एवरी लाइन में से अगर कुछ निकाल के दे भी दिया आप रिकॉल कर पाओ। इसके लिए क्या जरूरी है, एक लास्ट बार ना अब करने बैठोगे, अगर पहले कर लिया है बहुत बढ़िया, नहीं करा है यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज की एक बार एनसीईआरटी लेके बैठो एक या दो बार, एंड यू हैव टू गो थ्रू द थॉरो रीडिंग, लाइक यू हैव टू थॉरली रीड ईच एंड एवरी चैप्टर, एंड दिस टाइम वेरी माइंडफुली एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है। और कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है कि पहले ये मैंने मिस कर दिया था यार, ये नोट नहीं किया, अंडरलाइन इट, नोट इट डाउन, हाउएवर यू वांट टू डू इट, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिंग द टेक्स्ट। थर्डली, दिस इज नथिंग न्यू, मॉक्स एंड क्वेश्चन बैंक्स, बट यही वो पूंजी है जो आज तक जितने भी आप बड़े बड़े स्कोरर्स देखते हो उन्होंने यही यूज किया है। बिकॉज डज नॉट मैटर आपने कितना अच्छे से याद कर रखा है चैप्टर, कितने अच्छे से आपको अपना कंटेंट याद है, पहली बात आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वो प्रैक्टिस ओरिएंटेशन आपको क्वेश्चन बैंक्स देंगे, बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस टाइप के भी आ सकते हैं, इस टाइप के भी आ सकते हैं, तो यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आप घबराओगे नहीं कोई नया क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो क्योंकि आपके लिए कुछ नया होगा ही नहीं। एंड मॉक्स आर सेपरेट फ्रॉम क्वेश्चन बैंक्स, क्वेश्चन बैंक्स आर लाइक बैठे लेके और क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं, बट मॉक्स आर लाइक यू आर साइम्यूलेटिंग द एग्जाम एनवायरमेंट पूरा अपने घर में। भाई 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, मैं 1.5 घंटा घड़ी लगा के बैठूंगा, मम्मी पापा को बोल दिया कमरे में मत आना, बिल्कुल अकेले बैठना है, एंड हैव टू सिट विद माई क्वेश्चन, और इतने टाइम में मैं अटेम्प्ट करूंगा। हमेशा जब आप मॉक्स कर रहे हो ना, कीप जैसे तैसे भी लास्ट का आधा घंटा टू 15 मिनट कीप इट फॉर रिविजन और क्रॉस चेकिंग, बिल्कुल एंड तक काम नहीं करना। तो वो जो एग्जाम एनवायरमेंट में आपको कैसे खुद को मैनेज करना है, कैसे रिवीजन का भी टाइम निकालना है, करेक्टली क्वेश्चंस भी करने हैं, घबराना नहीं, एग्जाम एंग्जाइटी ना हो, वो आपको मॉक्स सिखाएंगे। इसलिए मॉक्स को सीरियसली करना है और बिल्कुल ऐसे करना है जैसे आप एग्जाम्स दे रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ योर सीयूईटी प्रेप। ये नहीं करा तो इट्स लाइक जो भी फाउंडेशन बनाई वो स्काई स्क्रैपर बनी नहीं पाई। प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल रिविजन, जब आप
बेसिकली आपका सब क्वेश्चन बैंक्स मॉक्स वगैरह हो गए हैं, तब भी एक बार यू नो जस्ट टू रियश्योर योर सेल्फ यू जस्ट गो थ्रू द सिलेबस एक ऊपर से जस्ट ओवरव्यू ऑफ इट फॉर द लास्ट टाइम। इसकी मैं आगे टिप्स में बात करूंगी। ओके सो टिप्स पे आते हैं। अब टिप्स में पहला टिप मेरा है वो है आप यूज कीजिए फ्लैश कार्ड्स। अब नॉट द ट्रेडिशनल फ्लैश कार्ड्स, हाउ आई यूज फ्लैश कार्ड्स इज लाइक कोई पेपर हो या कोई कार्ड हो उस पर पूरे चैप्टर की आउटलाइन लिखनी है, यानी एक चैप्टर में जो भी कंसेप्ट आ रहे हैं उनके बहुत ब्रीफली वो कंसेप्ट की हेडिंग्स, उनके अंदर अगर कोई थ्योरिस्ट का नाम आ रहा है, कोई ईयर आ रहा है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड आ रहा है, तो वो उसके नीचे ही लिख लिया। बेसिकली सेंटेंसेस नहीं लिखने, बस वर्ड्स लिखने हैं और उस वर्ड्स में ही आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इतने छोटे छोटे फ्लैश कार्ड यूज करती हूँ, तो 4 से 5 फ्लैश कार्ड में पूरा चैप्टर कवर होना जाना चाहिए। इतना ब्रीफली बस एक आउटलाइन बनानी है हर चैप्टर की। तो इसे आप जब एंड में देखोगे ना, एग्जाम से एक दिन पहले जाने से पहले हर चैप्टर का देख लिया, आपको 5 मिनट लगेंगे बट यू विल बी डन, आपका रिफ्रेश हो जाएगी मेमोरी। दूसरा यूज AI। तो क्या करो, आपका ना एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के PDFs अवेलेबल हैं, उसमें से जो जो पोर्शंस जहां से आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन चाहिए उन्हें उठाओ, चैट GPT में डालो एंड गिव इट अ प्रॉम्प्ट कि इस पे सिचुएशन बेस्ड या केस बेस्ड प्रैक्टिकल रियल लाइफ बेस्ड MCQs जनरेट करो। चैट GPT वुड गिव यू सच ऑसम MCQs जिससे कि आपको समझ आएगा कि उस कंसेप्ट को एक्चुअली क्वेश्चन में कैसे रेप्लीकेट किया जा सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन में। ओके okay? तीसरा टिप दैट आई हैव इज कि हमने जो कहा था ना कि वर्किंग बैकवर्ड्स, आप अपना पूरा एक बना लो कि इस दिन ये पार्ट कवर करना है, इस दिन ये पार्ट सिलेबस का कवर करना है। अब ये स्टडी प्लान ना कहीं ड्रॉअर में नहीं डालना, यू हैव टू कीप इट विजिबल, हो सके तो अपनी वार्डरोब पे, अपने स्टडी डेस्क पे से लगाओ ताकि यू कैन एक्चुअली ट्रैक उसमें एंड स्ट्राइक थ्रू करते जाओ एक एक दिन का कि अच्छा आज ये हो गया, मे बी एक यूनिट रह गई, इसे कल के सिलेबस के साथ एडजस्ट करना है। विजिबल रखोगे ना तो यू स्टे मोटिवेटेड, यू स्टे ऑन ट्रैक, आप स्लैक नहीं करोगे, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत ये थी मैं स्लैक कर जाती थी। अब चौथा दैट आई हैव द टिप फॉर यू इज कि जो भी चीज या जो भी व्यक्ति ना इस टाइम में आपको मेंटल स्ट्रेंथ या रेजिलियंस प्रोवाइड कर रहा है, प्लीज कीप देम क्लोज। नाउ दिस इज अ टाइम जहां पे आप बहुत बार स्लैक करोगे, यू विल लूज मोटिवेशन, यू विल फील कि भाई अब नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा हो गया है, होता है, मेंटल फटीक आ जाता है। यू नीड टू कीप पीपल क्लोज टू यू या ऐसी चीजें या कोई एक्टिविटीज जो आपको रिफ्रेश करें, जो आपको थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। ओके बिकॉज दिस इज अ क्रूशियल टाइम, आप इसे एक ट्रिवियल टिप मत लो, दिस इज द फाउंडेशन जिसपे आप पूरा काम कर रहे हो। अगर वो मेंटल स्ट्रेंथ रेजिलियंस नहीं रही, वो हटा ली गई, तो आप आगे काम नहीं कर पाओगे। सो जस्ट टेक इट वेरी सीरियसली। अब आते हैं पॉसिबल मिस्टेक्स पे जो आप कर सकते हो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगेन काफी लोगों को ट्रिवियल लगेगा, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर स्लीप एंड डाइट। गाइज आई कैनॉट एम्फसाइज दिस इनफ, आपका खान पान एंड द स्लीप क्वालिटी दैट यू आर हैविंग डिटरमाइंस द बेसिस फॉर एवरीथिंग यू डू, आपका स्टडी से लेके आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करोगे। हमें लगता है यार कोई बात नहीं, 15 दिन है एग्जाम में, थोड़ा कम सो लेते हैं, 2 घंटा एक दिन में सोऊंगा या टुकड़ों में सोऊंगा तो चल जाएगा। प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट अनलेस यू हैव डन इट इन द पास्ट। हाँ आप ये कर सकते हो 12 घंटे, लाइक 10 घंटे की नींद ना लेके मेक इट 6 आवर्स इंस्टेड, बट प्लीज ईट वेल, ईट क्लीन। इस टाइम में हल्का खाना खाओ, ग्रीजी भारी खाने से बचिए, जो थोड़ा शुगरी फूड होता है, कंफर्ट फूड होता है, एंड स्लीप क्वालिटी, प्लीज स्लीप क्वालिटी पे एंड स्लीप आवर्स पे ध्यान देना है। सेकेंड इज आउट ऑफ सिलेबस एंड ओवरली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो हमारे साथ आते हैं, हम कभी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं पब्लिकेशंस के, वे सी ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल ही सिलेबस से हटके हैं या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें लगता है यार ये मुझे आ क्यों नहीं रहा। CUET में यार आप देखोगे हमेशा जो क्वेश्चंस का जो यू नो लेवल होता है, दैट इज इजी टू इंटरमीडिएट। इसीलिए हम आपको क्वेश्चन बैंक सीरीज में भी, जो हम अभी CUET सीरीज करा रहे हैं, उसमें भी ऐसी लेवल के क्वेश्चंस देते हैं। ओवरली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, सिलेबस से बाहर के क्वेश्चंस आ ही नहीं सकते CUET में, इसलिए इसमें अपना दिमाग आप मत लगाइए, आपका टाइम वेस्ट होगा। थर्ड मिस्टेक दैट वी डू इज रिगार्डिंग रिविजन नॉजिया। नाउ दिस इज समथिंग आई कॉल इट, नाउ टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि मैं जब प्रिपेयर करती थी मेरा इकोनॉमिक्स का जो डोमेन था वो बहुत इंटेंसिव था, तो आई यूज टू रिवाइज इट बहुत ज्यादा। ये बुक जो थी मैं ऑलमोस्ट उसे 8-9 बार पढ़ चुकी थी, क्वेश्चन बैंक्स मैंने 2-3 पब्लिकेशन के कर लिए थे, वो इतना मैंने रिवाइज कर लिया था, इतना प्रैक्टिस कर लिया था, बट जब भी फिर मैं वो देखने लगी ना इकोनॉमिक जरा भी लेके बैठती थी, आई यूज टू गेट नॉशियस जस्ट लुकिंग एट इट। इतना खुद को सैचुरेट नहीं करना जस्ट एग्जाम से पहले कि आप बिल्कुल यू नो मेंटली थक जाओ उस सब्जेक्ट को लेके। प्लीज स्पेस इट आउट, ब्लॉक योर टाइम अकॉर्डिंगली, कि आप वैरायटी रखो कि अच्छा ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन, एकदम से खुद को सैचुरेट नहीं करना, नहीं तो यू विल फील वेरी एग्जॉस्टेड एंड डन विद अ सब्जेक्ट। अगली मिस्टेक दैट वी डू इज कि क्वेश्चन बैंक्स कर रहे हैं या CUET सीरीज कर रहे हैं चैनल पे, तो आप अपने नोट
वीक एरियाज को नोट नहीं कर रहे, ये देख लिया कि हाँ यहाँ पे मार्क कटा है ठीक है, बट आपको नोट करना होगा कि हाँ ये मेरा वीक एरिया है, ये इस पोर्शन से आया है एंड इसका मतलब है इस ये जो चैप्टर का ये पोर्शन है वही मुझे क्लियर नहीं हुआ है, आई हैव टू गो बैक टू इट लेटर। तो उस वीक एरिया को नोट करना है एंड यू हैव टू गो बैक अगेन टू रिवाइज इट वंस अगेन कि अच्छा यहाँ गलती हुई थी, नाउ आई विल कीप अ नोट ऑफ इट। जब तक आप ये नहीं करोगे ना आपको मेंटल नोट नहीं लगेगा कि हाँ भाई मुझे इस चीज में मैं वीक हूँ और मैंने चलो ये करेक्ट कर ली। एंड लास्ट मिस्टेक दैट आई हैव दैट वी डू अलॉट इज गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। अभी मैं भी आपको बता रही हूँ और भी आप टॉपर्स और भी अपने सीनियर से पूछेंगे, एवरीबडी वुड टेल यू व्हाट वर्क फॉर देम। उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना कि मैं 12 घंटे पढ़ा था या मैंने 4 पब्लिकेशंस के क्वेश्चन बैंक्स करे थे, नहीं, एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू, यू आर यूनिक एंड यू हैव टू स्टिक विद व्हाट वर्क्स फॉर यू। किसी का बेस्ट 800 है, किसी का बेस्ट है 750, किसी का बेस्ट है 700, और उससे पॉजिटिव एडवाइस लीजिए बट प्लीज ओवरली इन्फ्लुएंस नहीं होना, एज इट इज किसी का एडवाइस नहीं चेपना अपने ऊपर, यू हैव टू सी इफ इट वर्क्स फॉर यू, नहीं तो आपको ओवरवेलम कर देगा। रिसोर्सेज की बात करते हैं क्विकली, सबसे पहला आपकी अपनी एनसीईआरटी ऑब्वियसली, एंड इसमें भी ओल्ड पीडीएफ जो आपकी रैशनलाइज एनसीईआरटी है वो नहीं, ओल्ड पीडीएफ। दूसरा अगर आपके हैंड रिटन खुद हैंडमेड नोट्स हैं वेरी वेल, उससे बेटर दुनिया में कुछ है ही नहीं। अगर इफ यू हैव नोट्स प्रिपेयर्ड प्लीज स्टिक टू देम, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है 2-3 दिन में या 4-5 दिन में, वट एवर सूट्स फॉर यू। चौथा, हमारे चैनल पे इतने सब डोमेन्स के वन शॉट वीडियोज हैं हर चैप्टर के, अभी सीयूटी सीरीज भी चल रही है जहाँ पे इतने अमेजिंग अमेजिंग एजुकेटर्स आपको आके यू नो गाइड कर रहे हैं, मेक यूज ऑफ इट। वो किस लिए है, इसीलिए ताकि आपकी प्रेप और सॉलिड हो पाए। एंड चौथा आई'ड से समथिंग दैट आई पर्सनली रेकमेंड इज ओसवाल गुरुकुल की एनटीए सीयूटी क्वेश्चन बैंक सीरीज, जिसमें अभी हमने 900+ एमसीक्यूज देखे हैं, 900+ एमसीक्यूज उसमें है, लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड है, क्वेश्चन बैंक्स क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूडेड है। तो इस टाइप के जो इतने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक है ना, ये आपकी प्रेप को बिल्कुल सॉलिड कर देंगे। सो ओसवाल गुरुकुल की एनटीए सीयूटी सीरीज फॉर ईच डोमेन सब्जेक्ट, दे हैव इट फॉर ईच डोमेन सब्जेक्ट एक्सेप्ट साइकोलॉजी, यू शुड चेक इट आउट, इट विल रियली हेल्प यू। अब बात करते हैं रूटीन की, आई कीप दिस वेरी शॉर्ट। देखो रूटीन अगेन, किसी का भी रूटीन उठा के अपने ऊपर अप्लाई करना, I really do not vouch for that, because मेरे लिए कभी औरों के बनाए हुए routines काम नहीं करे, इनफैक्ट मेरे लिए कभी schedules काम ही नहीं करे जिंदगी में, के लिए कर रहे हैं तो यू हैव टू डिवाइज वन फॉर योर सेल्फ। वन टिप दैट आई कैन गिव यू हेयर इज आइडेंटिफाई योर पीक एनर्जी टाइम्स ऑफ द डे। इफ यू आर एन अर्ली बर्ड, सवेरे 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, 3 बजे से 6 बजे 7 बजे पढ़ रहे हो उसके बाद सो जाओ। इफ यू आर एन नाइट आउल, ठीक है भाई रात का खाना 8 बजे तक निपटाओ, 9 बजे पढ़ने बैठो, 1-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, स्लीप आफ्टर दैट। आपके लिए जो वर्क करता है उसके साथ स्टिक करो, खाने में कॉम्प्रोमाइज मत करो, ईट क्लीन फूड ओके। नींद भी मैं कह रही हूं, अगर आप रात को लेट तक पढ़ रहे हो उसके बाद सो, सवेरे जल्दी उठ के पढ़ रहे हो उसके बाद सो जाओ। नींद को शिफ्ट कर दो बट कम मत करना, या अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करना इस टाइम में जितना हो सके। आई एम नॉट से आइसोलेट योर सेल्फ बट बेसिकली कुशन योर सेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड जो कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शन से भरा है, वेदर इट बी सोशल मीडिया या फिर आपके फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स से बार बार ट्रैक लेना कि भाई तूने कितना कर लिया, तूने कितना कर लिया, डू नॉट डू दिस, इट विल रियली यू नो डिस्ट्रैक्ट यू फॉर नाउ। तो रूटीन यही है। एंड प्लस अगेन, अगर आपको जो भी चीज स्ट्रेंथ देती है, वेदर इट्स गॉड, वेदर इट्स म्यूजिक, वेदर इट्स योर पेरेंट्स, आपके कोई खास मेंटर है, कीप इन टच विद देम, इट विल रियली हेल्प यू। एंड ब्लॉक आउट सम टाइम फॉर द थिंग्स दैट जस्ट रिफ्रेश यू, ओके। आपकी कोई भी हॉबी है उसके लिए आधा एक घंटा दिन में निकालो प्लीज। यू नीड टू बी सीरियस फॉर योर प्रेप बट नॉट दैट सीरियस कि आप बिल्कुल भूले जाओ कि आपकी लाइफ है। इंग्लिश टेस्ट की बात करूं, अगेन लैंग्वेज इज नॉट समथिंग मैं अभी से करने बैठूंगी कि हाँ ये टेंसेस के रूल है ये सब नहीं होगा भाई। लैंग्वेज इज समथिंग दैट इज बिल्ट ओवर द कोर्स ऑफ योर लाइफ, लैंग्वेज के साथ आपका जो एक प्रोफिशिएंसी है। अगर आपने एक लैंग्वेज इंग्लिश जो है वो 10-12 साल पढ़ी, आई एक्सपेक्ट कि आप इंट्यूटिवली आप आंसर कर सकते हो। तो दिस इज द टाइम कि अपना इंग्लिश टेस्ट के लिए ना बस क्वेश्चन बैंक्स खरीदो, मॉक टेस्ट खरीदो, क्वेश्चन पेपर्स खरीदो और रोज 1-2 लगाओ ही लगाओ, रोज 1-2 क्वेश्चन सीरीज जो है या फिर मॉक टेस्ट है लगाओ आप, एंड आपको ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड लैंग्वेज में ट्राई टू आंसर इंट्यूटिवली जितना हो सके, आपके अंदर से जो इंट्यूटिवली आंसर आ रहा है ना गो विद इट, जो सबसे ज्यादा सेंस बनाए, एंड दिस अप्लाइज फॉर ऑल डोमेन्स एज वेल। कभी कभी मेनी ऑप्शंस मेक सेंस बट जो सबसे ज्यादा सेंस बना रहे वो विद दैट ऑप्शन, एंड दैट इज माई अल्टीमेट टिप फॉर इंग्लिश। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई शेयर व्हाट वर्क फॉर मी। एंड Before you go, make sure you have to remember this. I shared what worked for me, but you have to find what will work for you. You are going to do great. Do not worry. Do not overwhelm yourself. Enjoy this journey. यार जिंदगी में एक बार CUET दे रहे हो, अच्छे से दो, आराम से दो, मजे से दो।
एंड ऑल दैट्स ऑल. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर लगा कि वीडियो ने हेल्प करी है प्लीज सब्सक्राइब टू द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल. वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कॉमेंट्स में आपके कुछ सजेशन हैं, आपके अपनी कुछ टिप्पणियां हैं वो ड्रॉप कीजिए. आई बी वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू इन द कॉमेंट्स. बाय.